न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ऋषिकेश में पहाड़ पर रेल का सपना धीरे धीरे साकार होने लगा है। जल्द ही ऋषिकेश से ट्रेन यात्रियों को साथ लेकर मंजिलों को तय करती नजर आएगी। बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का लगभग 63% काम पूरा हो चुका है और 2025 में बचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 2026 में पहाड़ पर रेल का सपना सच होने जा रहा है, जिसकी तैयारी में रेल निगम जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के मुख्य प्रबंधक अजीत सिंह यादव ने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि 2025 में काम पूरा हो जाएगा। 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य रेल विकास निगम द्वारा युद्ध स्तर से किया जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो 2026 में ट्रेन पहाड़ों पर दौड़ने लगेगी। देखिए, हमारा टनल की खुदाई का कार्य 73% हो चुका है और जो बचा हुआ कार्य है 2025 में पूर्ण कर लिया जाएगा और 2026 में हम लोग ट्रेन जो है चला पाएंगे। सर, मुआवजे को लेकर लगातार गतिरोध चल रहा है, मुआवजा लोगों को नहीं मिल पा रहा, नुकसान हो रहा, कब तक इसका समाधान हो जाएगा? देखिए, मुआवजा जो लोगों को किस कौन सा मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा सारे मुआवजे के लिए हम पूर्ण रूप से पैसा दे चुके हैं। जो सहारनपुर में महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने अंबाला रोड से मानकमऊ की ओर जाने वाले यातायात का दबाव कम करने के लिए अंबाला रोड से मानकमऊ को मिलाने वाले लिंक रोड और निकट स्थित तालाब का सौंदर्यकरण करने के कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया। बता दें कि लिंक रोड मानकमऊ रजवाही की पटरी से मिलाया जाएगा। तालाब के सौंदर्यकरण पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस दौरान महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि इस लिंक रोड के निर्माण से इस मार्ग पर चल रहे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी सुविधा मिलेगी। नगर निगम का प्रयास है कि निगम क्षेत्र में जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन तक जाने वाले मार्गों पर कोई असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विकास में औद्योगिक प्रतिष्ठान रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनमें उनका काफी योगदान रहता है। आज एक सड़क का लिंक मार्ग है जो कि अंबाला रोड को हमारी रजवाही की जो नदी की पटरी है वहाँ से जोड़ता है। इस पर काफ़ी सारी औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान भी लगे हुए हैं। इसके दूसरी तरफ एक तालाब है जिसको कि ऑलरेडी नगर निगम सहारनपुर कार्य में ले चुका है, जिस तालाब का सौंदर्यकरण और पिचिंग का कार्य करने वाले हैं, डिसल्टिंग और पिचिंग का कार्य करने वाले हैं। तो पूरा क्षेत्र ये लिंक रोड बनकर आएगा, इससे काफ़ी कुछ ट्रैफिक के दबाव को फ़र्क आएगा। वहीं फर्रुखाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्वाट टीम ने थाना जहानगंज के ताजपुर रोड से योगेंद्र निवासी महाजना शाहजापुर इकबाल पाकी झारखंड तबराक गारू झारखंड को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2.5 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी इकबाल तबराक ने बताया कि वो झारखंड से कम दाम पर अफीम खरीद कर लाते थे। उदयवीर योगेंद्र अफीम को अच्छी कीमत मिलने पर बेच देते थे। फतेहगढ़ पुलिस की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और साथ में जहानगंज पुलिस ने मिलकर एक अफीम का खेप पकड़ा है, जिसमें 4 किलो 550 ग्राम अफीम बरामद किया गया है। 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए गए हैं मौके से, और जो तीनों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम हैं योगेंद्र सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह, ये शाहजहांपुर का रहने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले बरेली थाना इज्जतनगर पुलिस ने अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने रनवे होटल बागपुट्स के पास जंगल में 2 शातिर अपराधी आकाश और करण को 2 तैयार और 2 अधबने तमंचों, भारी मात्रा में तमंचा बनाने का रॉ मटेरियल और एक चोरी के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला है कि गिरोह के सरगना नाम अमन है। अमन अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति के साथ मिलकर बंटी और बबली की तर्ज पर अपना गैंग चलाता था। अवैध असलों के साथ बंटी और बबली की कई तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। बता दें कि प्रीति अवैध तमंचे के साथ फोटो के साथ बंद में जेल भी जा चुकी है। वहीं अमन मोटरसाइकिल चोरी चेन स्नैचिंग की घटनाओं को भी अंजाम देता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी आकाश ने बताया कि चुनाव के समय पर अवैध असलों की डिमांड बढ़ जाती है। अभी हाल ही में उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा तमंचे बेचे, जिसके बाद उन लोगों की छानबीन जारी रही जिन लोगों को ये असले बेचे गए हैं। सीएम योगी ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ धुरियापुर में बने इंडियन ऑयल के सीवीजी प्लांट का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने
बांसगांव लोकसभा क्षेत्र को 222 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। सीएम ने 68 करोड़ रुपए से ज्यादा की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 154 करोड़ रुपए से ज्यादा की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सड़क और बाढ़ बचाव कार्यों से संबंधित है। वहीं लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में सीएम योगी ने कहा कि सीबीजी प्लांट वेस्ट को वेल्थ में बदलने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि पहले धुरियापुर के विकास को लेकर कोई सोच भी नहीं सकता था और आज ये उद्योग लग रहे हैं। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, बाढ़ से बचाव हो रहा है, किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के 1.75 करोड़ गैस कनेक्शन यूपी में दिए गए हैं और सरकार इन्हें होली और दिवाली में मुफ्त गैस सिलेंडर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाशिवरात्रि पर बांसगांव संसदीय क्षेत्र को सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, बाढ़ बचाव और पेयजल परियोजना की भी सौगात मिली है। बाढ़ बचाव के कार्य से क्षेत्र को सरयू और राप्ती की बाढ़ से निजात मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों का आह्वान किया कि विकास की स्पीड को बढ़ाने के लिए और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक बार फिर मोदी सरकार बनाए। ये भारतीय लोकतंत्र की भारत भाग्य विधाता से आह्वान है। देश के लोग आज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जब यहाँ के नौजवान और भी उनकी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ने आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे ही उनको भी यहाँ पर और अन्य स्थानों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए नौजवानों के लिए रोजगार भी है, हजारों किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी भी है, पशुपालकों को गोबर का दाम भी मिलेगा, यानी एक साथ पराली के साथ साथ गोबर का। झांसी के मढ़िया में महाशिवरात्रि पर्व पर हर साल की तरह इस साल भी 17 वीर वार शिव बारात का आयोजन बड़ी धूमधाम से सदर विधायक रवि शर्मा, सांसद अनुराग शर्मा के नेतृत्व में किया गया। शिव बारात बड़ा बाजार स्थित मुरली मनोहर मंदिर से शुरू हुई, जो मानिक चौक, रानी महल, मिनवारा चौक से सैयर गेट होते हुए मढ़िया महादेव मंदिर पहुंची। शिव बारात में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर सर पर जलाभिषेक के लिए कलश चल रही थी। वहीं डीजे ढोल नगाड़ों की धुन पर भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु बड़े ही मग्न होकर नाचते गाते चल रहे थे। बारात में भगवान शिव, पार्वती सहित कई भगवानों के स्वरूप घोड़ी बग्घी में बैठाकर चल रहे थे, जो शिव बारात का आकर्षण का केंद्र रहे। महाशिवरात्रि के महापर्व पर क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव का जल अभिषेक किया। वहीं ग्राम सरबदी में धूमधाम से भगवान शिव की बारात निकाली गई। बारात सरबदी से निकलकर पुराना बाजार होते हुए पांडवकालीन शिव मंदिर अमृतनाथ पहुंची। भगवान शिव की बारात का काफिला 1 किलोमीटर की लंबाई में डीजे बैंड बजे के साथ निकाला गया। जगह जगह पर गाँव और बाजारों में लोगों ने बारात का स्वागत किया। बारात के साथ स्थानीय पांडव कालीन अमृतनाथ में शिव पार्वती का विवाह हुआ। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्राधिकारी बयागपुर हीरालाल कन्नौजिया, थाना प्रभारी विश्वेश्वरगंज पंकज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर मुस्तैद नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।